शहरियों के लिए पासपोर्ट का हसूल चैलेंज बन गया। पासपोर्ट दफातर के बाहर लंबी लाइनों में लगे शहरी परेशान। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बावजूद पासपोर्ट ना मिलने पर इंतजामिया की दुहाई। कहते हैं चक्कर लगा लगा कर थक चुके, हर बार कहा जाता है मैसेज का इंतजार करें, हुकूमत संगीन मामले का फौरी नोटिस ले। नून लीग की इंतखाबी तैयारियां, उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर के लिए पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास आज होगा। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यू करेगा। मियां नवाज शरीफ उम्मीदवारों से फर्दन फर्दन मुलाकातें करेंगे। पार्टी सेक्रेटेरियट मॉडल टाउन में आज बहावलपुर और डीजी खान से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ मॉडल टाउन पहुंच गए। मरियम नवाज, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी सेक्रेटेरिएट में मौजूद, इंतखाबी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। आमदन से जायद असासजात रेफरेंस एहतसाब अदालत ने अहद चीमा को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक जुलकरनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। अहद चीमा के मुबैना बेनामी इदारों ने अपनी जाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। पीपी 35 वजीराबाद और पीपी 59 गुजरांवाला की नई हलका बंदियां कलदम करार। लाहौर हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार के वकील आजम नजीर ने दलाइल दिए। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ समाप्त, हाईकोर्ट ने दरखास्त समाप्त के लिए फुल बेंच को अरसाल कर दी। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर समाप्त की, कहा इसी नौयत की दरखास्तें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में फुल बेंच सुन रहा है। वजीर आला मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया गया। प्रोजेक्ट पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एडिशनल ब्लॉक की तामीर में अहकामात के खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। पीएनडी बोर्ड ने दरामदी मटेरियल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। 3.5 अरब से ज्यादा रकम से मजीद एक इमारत तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का ओहदा संभालते ही फील्ड ऑपरेशन। शहर के दाखिली खारिजी रास्तों पर दूध और चिकन बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, मजमुई तौर पर 51,000 लीटर दूध चेक किया गया। पाउडर, केमिकल्स और पानी की मिलावट पर भारी जुर्माने आयद किए। लाहौर में क्राइम बेकाबू, पुलिस रोकने में नाकाम। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल 11 माह में मुख्तलिफ जराइम के 3,15,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। सिटी डिवीजन 67,866 मुकदमात के साथ पहले नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन 59,785 मुकदमात के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि कंट डिवीजन तीसरे, जबकि सदर डिवीजन चौथे नंबर पर रहा। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीटीओ मुस्तनसन फेरोज कहते हैं कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 25 रोज में 8,000 मुकदमात दर्ज, गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 12,000 से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पंजाब बाजी ले गया। लाहौर समेत सूबे भर में गुज़श्ता रोज 95,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए। लाहौर में 21,600 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। शहरियों को 24 घंटे लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। शहर में मस्नूई महंगाई ने आवाम की कमर दोहरी कर दी। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रायलर गोश्त की सप्लाई में बेहतरी, चिकन की कीमत 470 रुपये किलो पर बरकरार।
अंडे फी दर्जन 337 रुपए में दस्तयाब। बाघों के शहर में स्मोक के बादल ना छट सके, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। शहरी नजला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिबी माहरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। शहर में खुश्क सर्दी की लहर जारी, आज भी मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब पुलिस में डीएसपी से एसपी के ओहदे पर तरक्की की तैयारियां। 6 ऑफिशियल एसपी समेत 38 डीएसपी का रिकॉर्ड तलब। कागजात मुकम्मल होने के बाद रवा साल के आखिर में डिपार्टमेंटल बोर्ड इजलास मुतवक्के। मजकूरा अफसरान को अगले ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। AVLS ने 2021 में डकैती का मुकदमा ट्रेस कर लिया। मुलजिम घर से डकैती में गाड़ी छीनकर फरार हुए थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने लाखों रुपए का माले मसरूका मालिकान के सपोर्ट कर दिया। SPA राणा जाहिद ने DSP मेहदी कासमी के हमरा माले मसरूका तकसीम किया। मुस्तफाबाद पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल और नकब जैन गैंग गिरफ्तार। मुलजिम असद और अदनान से 5 मोटरसाइकिलें और रकम बरामद कर ली गई। मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ थानों की पुलिस को मतलूब थीं। IG पंजाब के मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। 7 मुलाजमीन को 12 लाख रुपए के फंड जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि तिब्बी मसाइल से 2-4 अफसरान और अहलकारों के इलाज के लिए इकदाम में तेजी लाई जाए। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 4 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिला दिए। कोट लखपत ग्रीन टाउन से गुम बच्चों को वालिदैन से मिलवाया गया। लवाहिकीन की जानिब से बच्चों की गुमशुदगी की कॉल्स 15 पर की गई। कॉल्स का मुवजना करके बच्चों को वालिदैन के हवाले किया गया। मेरा प्यारा ऐप अपनों को मिलाने का जरिया बनने लगी। टीम ने 76 साल नाबीना बुजुर्ग को अपनों से मिला दिया। मेरा प्यारा टीम ने बुजुर्गों की डेटा कलेक्शन के लिए AD होम्स का विजिट किया। बायोमेट्रिक करवाने से बुजुर्ग शहरी यूनस की फैमिली को ढूंढ निकाला। डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत आवान की उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने उबूरी जमानत कंफर्म कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज अभर गुल ने दरखास्त जमानत पर समाअत की है। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। 50 से जायद इकसाम के गुले दाऊदी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। रंग बिरंगे फूलों और पौधों की मदद से पार्क की खूबसूरती में इजाफा। शहरी कहते हैं नुमाइश से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अदाकारा रानी के मद्दा उनकी 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। रानी के जिक्र के बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख अधूरी रहेगी। उनकी यादगार फिल्म्स में अंजुमन, तहजीब, अमराव जान अदा, सुरैया भोपाली, बहारो फूल बरसाओ और नाग मनीष शामिल हैं। अदाकारा रानी ने TV ड्रामों में भी यादगार किरदार अदा किया।